हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, या हम उसे कहते हैं डिफेक्ट्स। तो नाम से तो आप लोगों को पता चल रहा है कि क्रिस्टल के अरेंजमेंट में जो एटम्स के थ्रू अरेंजमेंट होता है उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ गए हैं जिस वजह से हमें डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये कई बार टेम्परेचर की वजह से मिलते हैं और कई सारी कंडीशंस होती हैं रैपिड क्रिस्टलाइजेशन की वजह से डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या होते हैं हमारे पास डिफेक्ट्स। तो मेनली इम्परफेक्शंस का मतलब यही है कि एक बढ़िया सा अरेंजमेंट था उसमें कोई भी चेंज आ जाए। जैसे आप क्लासरूम में बैठे हुए हो, सबके जो टेबल्स लगे हुए हैं बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में और हर एक उसमें एक एक स्टूडेंट बैठा है और इक्वल डिस्टेंस में, तो आपने कहा एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। अब उसमें किसी भी तरह से डिफेक्ट आ जाए, जैसे कोई स्टूडेंट वहाँ से एबसेंट हो जाए तो वो जगह खाली हो जाएगी, या फिर कोई एक्स्ट्रा स्टूडेंट आकर कहीं उसको थोड़ा सा पोजीशन को चेंज कर कर बैठ जाए तो डिफेक्ट्स आ सकता है, और कई सारे रीज़न हो सकते हैं कि दो स्टूडेंट गायब हो जाएं, तो इस तरह से वहाँ पर डिफेक्ट देखने को हमें मिल सकता है। तो इसमें मेनली हम बात करते हैं टू टाइप्स के डिफेक्ट की। एक होता है आपका पॉइंट डिफेक्ट, पहला होता है आपका पॉइंट डिफेक्ट, ब्रॉडली क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम, और भी कई सारे डिफेक्ट होते हैं, और दूसरा है लाइन डिफेक्ट। एक है आपका पॉइंट डिफेक्ट और एक है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को एटॉमिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि क्लासरूम में तुम सब लोग बैठे हो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में, किसी भी पोजीशन पर कोई स्टूडेंट एब्सेंट हो जाए तो कोई भी पोजीशन खाली हो सकती है, तो उस डिफेक्ट को क्या बोलोगे? पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट में सिर्फ एक लाइन में जो चेंज, जो कोई भी बच्चा एब्सेंट जो होगा वो एक लाइन में होगा, या तो पहली वाली लाइन में, दूसरी में, तीसरी में, अब वो ऐसे हॉरिजॉन्टल हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, लाइन कहीं पर भी आए, ठीक है, बस एक पर्टिकुलर लाइन में ही चेंजेस आएंगे तो उस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट किसी भी पोजीशन में कोई भी चेंजेस आ जाए। अब बात करते हैं हम हमारे सिलेबस में जो सारी चीज़ें हैं वो किसके बारे में हैं? पॉइंट डिफेक्ट। अब वो चाहे हम बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, सब में आपको सिर्फ यही डिफेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, यहाँ पे कोई पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पॉइंट डिफेक्ट में हम बात करते हैं, दो तरह के डिफेक्ट्स मिलेंगे, तीन तरह के सॉरी, एक होगा आपका स्टोइकोमेट्रिक, दूसरा होगा नॉन स्टोइकोमेट्रिक, और तीसरा मिलेगा आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो पहला है आपका स्टोइकोमेट्रिक, दूसरा होता है, ठीक है, इसी के अंदर है दूसरा, सेकंड होता है हमारा, चलो ऐसे लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक, और थर्ड हमारा होता है, दिख रहा है ना आप लोगों को, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी। तो कौन कौन से हैं? स्टोइकोमेट्रिक, नॉन स्टोइकोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये तीन तरह के डिफेक्ट हमारे पास होते हैं। जस्ट सेकेंड, अब स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में भी हम पढ़ेंगे दो लोगों के लिए, मतलब दो तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे। एक में करना चाहूँगा किसके लिए? नॉन आयोनिक क्रिस्टल्स के लिए, और एक होता है आयोनिक क्रिस्टल्स के लिए। स्टोइकोमेट्रिक का मतलब क्या होता है? रेशियो होता है, ठीक है, जैसे कोई इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन लिखते हो, जो उनके आगे के कोफिशियंट होते हैं उनको स्टोइकोमेट्रिक बोलते हैं। अभी बात करते हैं धीरे धीरे। तो नॉन आयनिक के लिए भी है और आयनिक के लिए भी है। अब जब आप बात करते हो किसके लिए? नॉन आयनिक के लिए, तो नॉन आयनिक के लिए आप दो डिफेक्ट्स की बात करोगे, कौन कौन से? एक होता है वैकेंसी और दूसरा होता है इंटरस्टीशियल, एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा होता है बच्चों इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। आयनिक क्रिस्टल की बात करें अगर, तो इसमें हम बात करेंगे शॉटकी डिफेक्ट या स्कॉटी डिफेक्ट भी बोलते हैं इसे, जैसे भी आप पढ़ना चाहें, शॉटकी डिफेक्ट, और दूसरा होता है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट, और ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों ही डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो यहाँ से बहुत ही सवाल पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम्स में।
तो क्या पढ़ना है हमें इस लेक्चर में, हम पढ़ने वाले हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक और इम्प्योरिटी के बारे में बात करेंगे। तो हमें अभी क्या फोकस करना है कि सर हमने देखा इम्परफेक्शन यानी कि डिफेक्ट्स टू टाइप्स के हैं, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट किसी भी पोजिशन में चेंज आ जाए, लाइन डिफेक्ट इंटायर लाइन में, इंटायर रो में कोई चेंजेस आ जाए। पॉइंट डिफेक्ट कौन कौन से हैं, स्टोइकोमेट्रिक, नॉन स्टोइकोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसमें हम बात कर रहे हैं पहले स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। ये किस किस के लिए पढ़ना है हमें, नॉन आयनिक और आयनिक के लिए। जब हम नॉन आयनिक क्रिस्टल्स के लिए पढ़ेंगे जैसे कॉपर, आयरन, गोल्ड, ठीक है, तो इनके लिए हम बात करेंगे वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और जब हम आयनिक क्रिस्टल्स में बात करेंगे तो शॉटकी और फ्रेंकल के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो अब मैं समझाता हूँ आपको वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है। बहुत ईजी चीज़ें हैं इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको इरेज करके कुछ अलग अलग सी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, सब चीज़ें यहीं पर हो जाएंगी। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या करना है ना बच्चों, तुम्हारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएटेड है, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा कुछ एक बढ़िया सा अरेंजमेंट बना हुआ है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, चलो एक लाइन और लिख लेते हैं, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट यहाँ पर बना हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव का, जो सब इक्वल डिस्टेंस में है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, जब ये डिफेक्ट हमें मिलेगा तो वैकेंसी की बात करते हैं, तो वैकेंसी का मतलब है पोजिशन खाली हो जाना, ठीक है। अरे वेट, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नॉन आयनिक क्रिस्टल में, ठीक है, तो आयन्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आयन्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, सब जगह एटम्स रखे हुए हैं, तो कोई एटम यहाँ से मिस हो गया, ये एम्प्टी है, खाली है, तो ये एक वैकेंसी बन गई। हो सकता है एक और वैकेंसी बन जाए, यहाँ पर भी बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है। तो आपने क्या देखा कि सर पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट बना हुआ था, कुछ एटम्स वहाँ से मिस हैं, तो उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, वैकेंसी। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे बताइए कि वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ लिख देते हैं इसे, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, किसके केस में, वैकेंसी डिफेक्ट। अब बात करते हैं इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल का क्या मतलब है, एटम्स के बीच में जो खाली स्पेस बचता है ना, एटम्स क्या हैं, स्फेयर हैं, तो अगर तुम स्फेयर्स को आपस में कनेक्ट करोगे, जैसे ये स्फेयर है, इनको आपस में कितना ही आप क्लोज ला के कनेक्ट कर दो तो इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप तो बचेगा ही बचेगा, तो इन्हीं को हम इंटरस्टिशियल साइट्स या फिर वॉइड्स कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, फिर से एक अच्छा सा अरेंजमेंट बना लेते हैं, सारे एटम्स इक्वल साइज़ के हैं और यहाँ पर इनके बीच में कुछ गैप्स होंगे। अब इन गैप में क्या हो, कोई और बाहर से एटम आ जाए, यहाँ आ गया, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस डिफेक्ट को क्या बोलोगे, इंटरस्टिशियल साइट, यानी कि ऐसा डिफेक्ट जहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट पे कुछ एक्स्ट्रा एटम आ जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। ये नॉन आयनिक क्रिस्टल ही दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देखो अगर प्लस और माइनस होते हैं तो हमें पता है एटम क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, जो भी हमारा कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव इनबैलेंस हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई चार्ज ही नहीं है तो एक एटम जाए, दो एटम जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई चार्ज की तो बात ही नहीं है। तो ये इसलिए कौन से डिफेक्ट दिखाए जाते हैं, नॉन आयनिक क्रिस्टल। तो वैकेंसी डिफेक्ट समझ में आ गया कि कोई एटम मिस हो जाए अपनी पोजीशन से, इंटरस्टिशियल, एक्स्ट्रा एटम ऑक्यूपाई दी इंटरस्टिशियल साइड। तो मुझे बताइए आप लोग यहाँ पर डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो डेंसिटी के रिगार्डिंग काफ़ी कंपिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डेंसिटी क्या हो गई है, इंक्रीज, एटम्स स्पेस वही है, एटम्स बढ़ गए हैं, तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब बात करते हैं हम शॉटकी और फ्रेंकल की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा होने वाला है। अब देखो शॉटकी और फ्रेंकल में क्या होता है, सबसे पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, शॉटकी डिफेक्ट के बारे में। शॉटकी डिफेक्ट को तुम ऐसे याद रख सकते हो, शॉटकी मतलब सर शॉर्टेज, तो एटम्स की शॉर्टेज होने वाली है इस बार, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख भी देता हूँ ताकि तुम्हें याद करने में थोड़ा ईजी रहे, शॉर्टेज ऑफ एटम्स। अब मुझे बताओ ये किन के लिए है, ये है आयनिक क्रिस्टल्स के लिए। तो अगर एक कैटायन बाहर जाएगा तो एक एनायन भी जाएगा, तो ये डिफेक्ट कब जनरेट होगा, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, डेफिनेशन वगैरह बहुत थ्योरी बहुत इजी होती है, किसी भी बुक से आप इसको पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है,
अब मैं ग्रामर में नहीं जा रहा हूँ इसकी, फिर मुझे बहुत लिखना पड़ेगा। इन ए बी टाइप क्रिस्टल, ए बी टाइप क्रिस्टल मतलब NaCl, KCl, CaCl, AgCl, इस तरह के क्रिस्टल होने चाहिए, ठीक है। तो इक्वल नंबर में कैटायंस और एनायंस अपनी लोकेशन को मिस कर देते हैं। दूसरी बात, ठीक है, तो ये तो हमारा डिफेक्ट हुआ कि हमें कब ये देखने को मिलता है। अब इसका एक ड्रॉ बना लेते हैं जहाँ पर हमारे पास रखे हुए हैं कैटायंस और एनायंस, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। ये समझाने का तरीका है बेटा, कोई बच्चा ऐसा नहीं कहेगा सर पॉजिटिव हमें कम दिखाई दे रहे हैं और नेगेटिव ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। एक अच्छा सा अरेंजमेंट है वो तो हम समझने के लिए कर रहे हैं, हाँ सर बिल्कुल अच्छा सा पैटर्न हमें लग रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सब बैलेंस है, ठीक है। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, अगर एक पॉजिटिव गया तो एक नेगेटिव भी बाहर चला जाएगा, बस हो गया। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, एक पॉजिटिव गया तो एक बाहर नेगेटिव भी चला गया। जैसे तुम लोग क्लासरूम में बैठे हुए, एक बॉयज एक बॉय, एक गर्ल एक बॉय एक गर्ल, इस तरह से हमने एक बिल्कुल पेयर बना के बैठाए हुए हैं, ठीक है। अब एक बॉय बाहर चला गया तो एक गर्ल, तो एक पॉजिटिव बाहर और एक नेगेटिव बाहर, तो वो डिफेक्ट कब होगा, आपका शॉटकी डिफेक्ट कहलाता है। अब मुझे बताओ, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट, कैन यू सी दिस, इसे आप वैकेंसी डिफेक्ट भी कह सकते हैं। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट क्या है और ये शॉटकी डिफेक्ट क्या है। तो शॉटकी डिफेक्ट एक स्पेशल टाइप है किसका, वैकेंसी डिफेक्ट का, जो हम हमेशा किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, आयनिक क्रिस्टल के लिए। तो अगर कोई कहे कि शॉटकी डिफेक्ट वैकेंसी डिफेक्ट है तो ये गलत नहीं है, क्लियर हुआ। तो क्या होना है शॉटकी डिफेक्ट में, पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल नंबर में बाहर चले जाएंगे। कंडीशंस क्या है इसके लिए, कंडीशन ये है कि कैटायंस और एनायंस का साइज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, कैटायंस और एनायंस का साइज क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम, साइज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी हाई, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि एक एटम को ज़्यादा, जैसे एक पॉजिटिव है तो उसको ज़्यादा नेगेटिव सराउंड करे, एक नेगेटिव है तो उसको ज़्यादा पॉजिटिव सराउंड करे। तो ये दो कंडीशंस अगर हमें मिलती हैं तो वो क्रिस्टल प्रोबेबली क्या दिखाना पसंद करते हैं, शॉटकी डिफेक्ट। कैटायंस और एनायंस का साइज ऑलमोस्ट सेम हो और हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो, साइज़ में ज़्यादा डिफरेंस होगा तो फिर ये डिफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, वो दूसरा मिलेगा। तो एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो याद करना भी बहुत इजी है, इसमें ज़्यादातर आपके एल्कलाई मेटल्स मिलेंगे, जैसे LiCl, NaCl, KCl, CaCl, तो ये सारे डिफेक्ट किसके अंदर आते हैं, आपके शॉर्ट के डिफेक्ट। याद करना ईजी है, क्लोराइड्स ही तो हैं सारे, और लिथियम सोडियम पोटेशियम इसको तो जानते ही हो आप लोग, तो ये डिफेक्ट हो गया। तो शॉर्ट के डिफेक्ट, एटम्स की शॉर्टेज, इक्वल नंबर में कैटायंस और एनायंस बाहर चले जाएंगे, जिससे आपकी स्टोइकोमेट्री चेंज नहीं होगी, क्योंकि पॉजिटिव गया है तो नेगेटिव भी गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी बनी हुई है, पहले 10 पॉजिटिव थे 10 नेगेटिव, अब उसके बाद 9 पॉजिटिव है 9 नेगेटिव, तो अभी भी क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी हुई है। तो ये कुछ बातें हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट इज़ अ काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट, इट डिक्रीज द डेंसिटी, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, डेंसिटी के बारे में अगर बात करें तो आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो ये याद करने वाली तो कोई बात ही नहीं रह जाती है कि सर हाँ एटम्स बाहर चले गए तो डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट के, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल पे आप लोग खास ख्याल रखेंगे और इसकी कंडीशंस पे, कि कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए, कैटायंस और एनायंस का साइज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, एल्कलाई मेटल्स ले लो और उसके एग्जांपल बना लो। अब हम बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट के, फ्रैंकल डिफेक्ट, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है, वहाँ शॉर्टेज ऑफ एटम थी, यहाँ पे क्या होगा, कैटायन जो है अपनी लैटिस साइड छोड़ के कहाँ चला जाएगा, इंटरस्टिशियल साइड पे, यानी कि जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, ठीक है, उसे छोड़ के वो कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल साइड में। देखो ड्रॉ के थ्रू समझते हैं इसे, अब मैं सबके इक्वल साइज़ बना रहा हूँ, वैसे तो अगर तुम बात करोगे तो कैटायन छोटे एनायंस बड़े ऐसे बनाओगे ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब कैटायंस अपनी पोजीशन को छोड़ के कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाता है, एक्स्ट्रा नहीं आया है बाहर से, अपनी पोजिशन छोड़ के वो इस पोजिशन पर बैठ गया है। अब ये हो सकता है कि डिफेक्ट तब मिला हो कि आप लोगों का पहले क्रिस्टल बहुत अच्छा था, उसके बाद आपने उसे मेल्ट किया, अब मेल्ट करने के बाद आपने जल्दी से क्रिस्टलाइज कर दिया, एकदम से कूल कर दिया,
तो एटम्स अपनी पोजीशन नहीं ले पाए होंगे सही से। ये बिल्कुल ऐसा है कि तुम लोगों को मैंने क्लासरूम में अच्छे से बैठाया हुआ था, या किसी और टीचर ने तुम्हें क्लासरूम में सही से बैठे हुए थे तुम लोग, ठीक है। उसके बाद वो सर बाहर गए, सडनली तुम लोग बाहर चले गए सबके सब फटाफट। तुमने कहा थोड़ा सा ब्रेक मिला है, चलो कुछ खा पी लिया जाए, थोड़ा चिल मार लें, और तुम्हें लगा कि हाँ 15 मिनट तो हैं अभी क्लास में। लेकिन क्या हुआ, मैं जल्दी आ गया। जैसे तुम लोगों ने मुझे देखा तो तुम लोग सब दौड़ते हुए आए और क्लास में कोई भी कहीं बैठ गया, कोई भी कहीं बैठ गया। तो इसके साथ ऐसा ही हुआ, ये पोजीशन नहीं मिल पाई, सही यहाँ बैठ गया। तो इस तरह के डिफेक्ट इस तरह से हमें देखने को मिल जाता है रैपिड क्रिस्टलाइजेशन से। तो एक कैटायन अपनी एक्चुअल पोजीशन छोड़ के, यानी कि लैटिस साइड छोड़ के कहाँ जाता है बच्चों, इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाता है। उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो सबसे पहली बात, डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा बताइए ज़रा। तो गलत नहीं करना है, बिल्कुल सही आंसर देना है। तो कोई भी एटम एक्स्ट्रा नहीं आया है, कोई भी एटम बाहर नहीं गए हैं, तो डेंसिटी रिमेन सेम, तो कॉन्स्टेंट रहेगी डेंसिटी। कोई बाहर थोड़ी गया है, कोई अंदर भी नहीं आया है, बस पोजीशन ही तो चेंज हुई है, तो डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंडीशंस क्या है दिखाने के लिए, वहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर हाई था, यहाँ पर है लो कोऑर्डिनेशन नंबर, लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले दिखाएंगे। और वहाँ पे साइज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए था, यहाँ पे कैटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए और एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो इंटरस्टिशियल साइट्स क्या होती हैं, बहुत छोटे गैप्स होते हैं। यहाँ पे तो बहुत बड़े दिखा रहे हैं हम, हमें पता है कि जब एटम्स बहुत अच्छे से अरेंज होते हैं तो उनके बीच में गैप तो बहुत कम बचता है, तो कम गैप है तो छोटे एटम तो आ सकते हैं, यहाँ पर कोई बड़ा एटम थोड़ी आ सकता है। तो इसलिए कैटायन छोटा होना चाहिए और वही यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट में आ सकता है, एनायन नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कैटायन शुड बी स्मॉलर एंड एनायन शुड बी लार्जर, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये दो हो गई इसकी कंडीशंस। उसके बाद एग्जांपल की बात करें तो कैटायन छोटे हमें डी ब्लॉक में मिल जाते हैं, तो AgCl, AgBr, AgF, AgI ये कुछ एग्जांपल्स होंगे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट के मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये कि ये एक ऐसा एग्जांपल है जो दोनों तरफ कॉमन है, तो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, अब क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें इसके बारे में, ठीक है ना। तो काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये बच्चों ये तो सभी को याद रहता है, किसी को डिफेक्ट नहीं भी पता होते ना वो याद ही करके चले जाते हैं AgBr। तो AgBr ऐसा एग्जांपल है जो दोनों ही डिफेक्ट शो करता है, क्लियर हुआ। तो शॉर्ट के डिफेक्ट, इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन बाहर चले जाएंगे। फ्रैंकल डिफेक्ट, कोई कैटायन अपनी लैटिस साइड छोड़ के कहाँ चला जाएगा, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चला जाएगा, जिससे डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर डेंसिटी में चेंज आ जाएगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड दिस इज इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बट उस इंटरस्टिशियल, प्योर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीज हुई थी, यहाँ पर डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया है। तो ये सारे कन्फ्यूजन वाले पॉइंट होते हैं जो बच्चे मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, तो मैं उस बेसिस पे तुम लोगों के डाउट्स लेते हुए चल रहा हूँ। फिर भी उसके बाद कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सारे डाउट्स तुम्हारे मैं खुद ही क्लियर करते चलूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक। थोड़ा सा लेंदी है, इनकी बड़ी बड़ी हेडिंग्स होती हैं, लेकिन उन हेडिंग्स को हमें याद नहीं करना पड़ेगा, हम किस तरीके से उन हेडिंग्स को खुद बना सकते हैं, उनके नेम हम खुद रख सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आई होप इससे पहले के सारे लेक्चर्स तुम लोगों ने देख लिए होंगे। वैसे फिर भी मैं सॉलिड स्टेट की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वैसे आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाती होगी। अगर थोड़ा सा किसी को प्रॉब्लम आती है तो साइड में आप स्क्रॉल करेंगे, जब इस तरह से स्लाइड करेंगे तो साइड में प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखता है, तो वहाँ पे जाएं आप, तो सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। तो सॉलिड स्टेट की प्लेलिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी। तो अगेन, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आप लोगों को मिलते रहें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।